नाजरीन आज की वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के फवाइद से आगाह करूंगा, तो इंशाल्लाह आप एलोवेरा के फवाइद जानकर इसको इस्तेमाल करेंगे और इससे भरपूर फवाइद हासिल करेंगे। तो नाजरीन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन कुदरत ने इस दुनिया में अनवाव अकसाम की जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं और पौधे पैदा किए हैं जिनमें मुख्तलिफ बीमारियों से अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। खेकवार भी एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर तबई फवायद का ख़जाना रखता है। पंजाब में इसको कौर गंदल कहते हैं, यूनानी रोमन अतालवी रूसी और फ्रांसीसी जबान में इसे एलोवेरा कहते हैं। यूरोप में इस पौधे के फवायद जानने के लिए बहुत ज़्यादा तहकीकात हो रही हैं और इसके फवायद जो हैं वो जाने जा रहे हैं। नाजरीन एलोवेरा को अंदरूनी तौर पर खाने के लिए मुख्तलिफ अदवियात में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एलोवेरा का सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल ही बताऊंगा। एलोवेरा को जिल्द पर लगाने से बहुत से फवायद सामने आए हैं। मुख्तलिफ क्रीमों के इस्तेमाल से चेहरे की जिल्द ख़राब हो जाती है, रफ़ हो जाती है, और एलोवेरा के इस्तेमाल से जिल्द की रौनक वापस आ जाती है और इसका जो रफ़पन है वो ठीक हो जाता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी जिल्द जवान हो जाती है बल्कि आपके हुस्न को भी चार चांद लग जाते हैं। नाजरीन चेहरे के तमाम दाग धब्बों और दानों के लिए एलोवेरा सुबह शाम दो टाइम इस्तेमाल करें और इसको चेहरे पर इसकी मालिश करें और जब ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद चेहरे को धो लें। तो इस तरीके से आप दो टाइम इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा तो इंशाल्लाह आपके चेहरे के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे। नाजरीन इसके अलावा अगर आपका हाथ जल जाए तो फौरी तौर पर एलोवेरा का गोदा उस पर लगाने से जलन ठीक हो जाती है। और इसके अलावा एलोवेरा जो है वो मुंह के कैंसर के लिए इंतहाई मुफीद है और इंतहाई फ़ायदा मंद है। तो नाजरीन ये थे एलोवेरा के बैरूनी इस्तेमाल के फ़वाद जो मैंने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।